अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। अगर आप लोग मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को मैंने बताया होगा कि मेरे बाल कितने कमजोर हो गए हैं और मैंने दराज से कौन सा शैम्पू मंगवाया। बेसिकली मैंने ये वाला शैम्पू मंगवाया है, सल्फेट फ्री, ठीक है, ये वाला, ठीक है, अर्गन ऑयल फ्रॉम मोरक्को, फॉर्मुलेटेड इन इटली, ये है भाई शैम्पू, ठीक है। और इसके साथ मैंने ये अल्ट्रा रिच केयर 1 मिनट ट्रीटमेंट मंगवाया, ठीक है। ये मैं ट्राई करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि ये दोनों प्रोडक्ट वर्थ बाइंग है या नहीं। अभी मैं शावर लेने लगी हूँ, ठीक है, मैं फटाफट शावर लूँगी। और ये जो वीडियो है ना, आज 31 जुलाई है, तो मैं ये साथ साथ फिल्म करती रहूँगी। जब जब बाल धोऊँगी तब तक आपको बताऊँगी कि मेरे बालों में हेयर फॉल रुका है या नहीं, स्मूथ हुए हैं या नहीं, हेयर ग्रोथ प्रमोट हो रही है या नहीं, सारी डिटेल्स दूंगी आप लोगों को, ठीक है, सारी। बहुत कुत्ती गर्मी है, अभी मैं फटाफट नहा लेती हूँ एंड उसके बाद मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी, वो मैं खुद अभी यूज़ करने लगी हूँ, ठीक है। रात को लगाऊंगी सर पे, सुबह उठ के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अगर वो अच्छा हुआ तो आप लोग बाय कर लेना। मैं भी ना स्ट्रेटनर, कर्लर, ये यू नो आयरन वगैरह जो है वो अवॉइड करूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत सड़ गए नीचे से। तो वो भी क्या कहते हैं, रात को लगाओ सुबह उठो तो कर्ल हो जाते हैं बाल, तो वी विल सी कि वो काम करता है या नहीं करता। सो स्टे ट्यून एंड अगर वीडियो पसंद आए मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइस, तो बहुत जल्द आप लोगों के साथ स्किन केयर भी शेयर करूंगी, ठीक है। बम्प्स थोड़े बहुत इधर उधर हैं, जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ एंटी एजिंग स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता देती हूँ शैम्पू का और वन मिनट ट्रीटमेंट का। मुझे ऑलमोस्ट बॉटल जो है वो मुकन लगी है, ठीक है। अदन के लिए भी मैंने आज यूज़ किया, इतने मज़े से उसका डैंड्रफ भी साफ हो गया उसके बालों में से। एंड हेयर फॉल के लिए मैं रिकमेंड करूँगी या नहीं, नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करिएगा, टिल देन इंतज़ार फरमाइए। अच्छा, ये जो लिप ऑयल है ना, इसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इतना ये ज़बरदस्त है, ये आपको दराज से मिल जाएगा। दराज पे 8-8 की सेल लगी हुई है जो आज रात 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, तो मेक श्योर उस सेल से फ़ायदा उठाएं एज मच एज़ यू कैन। लॉरियल का ये मिथिक ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। मैं अपने बालों की ज़रा कंडीशन आपको दिखा देती हूँ। मेरे बाल जो है ना फ्रंट से बहुत वीक हो गए हैं, अनाभ्या के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से मेरा बहुत हेयर फॉल हुआ था, और आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट नो मोर। अब मैं अपनी केयर कर रही हूँ, मैं साथ में बायोटिन के सप्लीमेंट भी ले रही हूँ, मैं मल्टी वाइटमिन्स भी ले रही हूँ, ऑयलिंग भी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अपना हेयर केयर जर्नी आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरा हेयर फॉल ये चेक करें, ठीक है। ये मैंने जो है ना शैम्पू और कंडीशनर से सर धोया है, तो इतने बाल मेरे गिरे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे बाल थोड़े से स्लो हो गए हैं गिरना। अब ये चीज़ मैंने दराज से मंगवाई है, इतनी है ज़बरदस्त है ना, इसमें तीन इस तरह के लंबी लंबी सी वेलवेट टाइप की स्टिक्स हैं जिससे आप अपने बालों को रैप अराउंड करते हो। बालों को हमेशा आपने अपने फेस की डायरेक्शन में रैप अराउंड करना है, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से, देखो सीधा पकड़ना है और कुछ अपने फेस वाले डायरेक्शन में इसको गोल गोल घुमाना है, और इसके दोनों साइडों पे क्लिपर लगे होते हैं, इसको यूं हेड के बैक साइड पे घुमाना है एंड उस क्लिप को बंद कर देना है, ठीक है। सोते हुए डिफ़िकल्टी नहीं होती, अगर आप अपने बालों को बहुत टाइट बंद कर देते हो ना, हो सकता है थोड़े खींचें आपके बाल। आपको याद हो कि मैंने वो सिलिकॉन कह रही हूँ, वो सिल्क वाले इस तरह की जो चीज़ें आई हुई थी वो भी ट्राई की थी, उससे बाल बड़ी मुश्किल से कर्ल होते हैं। गीले बाल जो होते हैं ना, गीले बाल वो सूखते बहुत कम हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि बिल्कुल हल्के से गीले हों, तभी आपने ये चीज़ें लगानी है सर में। अगर बहुत गीले बालों में लगाओगे ना तो आपका बाल 2-3 दिन में भी नहीं सूखेगा, तो कर्ल्स नहीं होंगे। बिल्कुल सूखे बाल ले लो और थोड़ा सा ना स्प्रे करके गीले कर लो, बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, और बस फेस के डायरेक्शन में इस तरह से घुमाओ बालों को, रात को सो जाओ सुबह उठो तो टन टना। सो बाल चेक करें, इतने खूबसूरत हसीन। मुझे बहुत टाइट कर्ल्स नहीं पसंद, तो मैं कंघा मार के इसको सेट कर रही हूँ। फिर मैंने सीरम दोबारा से अप्लाई किया थोड़ा शाइन के लिए, चोंचे निकली हुई थी फ्रंट से, बट मैंने कहा हेडलेस कर्ल्स के लिए अब इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि आयरन और कर्ल्स वगैरह से ना मेरे नीचे वाले बाल जो है ना वो तबाह हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो घास फूस बन गए मेरे नीचे से बाल, बट आई लव दिस। अच्छा जनाब, तो
तीसरी बार मैंने शैम्पू और 1 मिनट ट्रीटमेंट से अपना सर धोया है, ठीक है। ये होते हैं हमारी टर्बन फाइबर, माइक्रो फाइबर वाले। इससे आपके बाल जो है ना ड्राई नहीं होते, टूटते नहीं हैं, खिंचते नहीं हैं। बेस्ट परचेज़ है, मुझे अगर लिंक मिली तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि मैं ज़रा कुछ टाइम, मतलब ये 2 बॉटल्स ख़त्म होना फिर मैं आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करूँ। तो फिलहाल आई एम लविंग इट एंड मुझे 1 मिनट ट्रीटमेंट जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। उसको धोने के बाद ना बाल बड़े सिल्की एंड सॉफ्ट हो जाते हैं। हेयर फॉल रुका कि नहीं रुका, अभी फ़िलहाल वैसा ही है जैसे पहले, कोई ड्रास्टिक चेंज नज़र नहीं आया। तो वेट, वील सी। हम गगन आए हैं, ठीक है, मेकअप लुक क्रिएट करने। सारे प्रोडक्ट्स जो है हाइस्ट के यूज़ होंगे, लेकिन मेकअप टेक्निक्स जो है वो सारी हलीमा की होंगी। अभी मिलते हैं हलीमा से। हलीमा आ जाओ फटाफट। अंदर की तरह दिखती है बच्ची सी, छोटी सी, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। अभी आप आफ्टर देखेंगे मेकअप, इतना खूबसूरत ही मेकअप करेगी मेरा। तो ये रही पाकिस्तान की बेस्ट 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 आई लैशेज हाइस की। ये 5 का पैक है, सिंगल में भी अवेलेबल है जनाब। इसकी बैंड बहुत ही पतली, लाइक सैलॉन अगर आपका है तो ट्राई दिस वंस और आपको प्यार हो जाना है। आपकी दुल्हनों ने भी बोलना है कि भाई बड़ी मेहरबानी तोड़ी कि इतना लाइट वेट लैशेज लगाई है। देन उसके बाद खाइस का प्राइमर। अब मैं इसकी तारीफ़ करते करते थक जहाँ सा। इससे पहले कि मैं तारीफ़ करूँ, आप जाएँ खाइस की वेबसाइट पे और खाइस के प्राइमर की तारीफ़ें देखें जो कि कस्टमर्स ने की है। क्योंकि अक्सर इंसान कहता है कि भाई खुद ही तारीफ़ें कर रही है। नहीं, आप जाएँ कस्टमर के रिव्यूज़ देखें, उसके बाद बाई करें। ब्लश लॉन्ग लास्टिंग, प्राइमर के बाद फाउंडेशन एप्लीकेशन सुपर स्मूथ एंड लिपस्टिक सुपर हाइड्रेटिंग एंड बहुत सारे शेड्स अवेलेबल। आप एंड रिजल्ट चेक करें भाई, इतना खूबसूरत रिजल्ट था ना। फाउंडेशन मक्खन मलाई की तरह अप्लाई हो गई थी। लिपस्टिक चेक करें कितनी हसीन, ब्लश चेक करें कितना हसीन, कमाल। गगन की कोई और ब्रांच नहीं है, अंडरस्टैंड। दोबारा बोल लूँ ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। एक ही गगन है, एक ही गगन है, मेरा एक ही बाप। सो पैक कर दिया मैंने गगन को, ठीक है। एड्रेस वगैरह यहाँ पर मेंशन है तो किसी और गगन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यही वायर एक गगन है वहाँ कैंट में। एंड मैंने खास के प्रोडक्ट्स लगाए, प्राइमर, ब्लश, लिपस्टिक, लैशेस फ्रॉम खास प्रो। यू नो सैलून में इफ़ यू डू ब्राइडल मेकअप्स वगैरह, सो यू नीड लॉन्ग लास्टिंग ब्लशेज, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स, एंड आपने फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रखनी है तो यू नीड निशु का भाई खाइस का हाइड्रो ब्लर प्राइमर।